दोस्तों आईपीएल के ऊपर आज के दिन कुल 10 बड़ी अपडेट निकल करके सामने आ रही है, जहां पर पहली अपडेट है ट्रेड विंडो को लेकर। इसके बाद आज मिनी आईपीएल का ऑक्शन कितने बजे से कौन से चैनल पर स्टार्ट होगा, चेन्नई का प्लेइंग 11, आरसीबी टीम और भी कई सारी बड़ी अपडेट आईपीएल के ऊपर निकल कर सामने आ रही है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको इन सभी खबरों के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन देंगे। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और वीडियो के नीचे से रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल वाले नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप आईपीएल से रिलेटेड कोई भी न्यूज सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर फॉलो करें, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और वन बाय वन आईपीएल से रिलेटेड सभी न्यूज दे देते हैं। तो इस लिस्ट की पहली बड़ी अपडेट है राजस्थान रॉयल्स की टीम की तरफ से, और राजस्थान की टीम ने मिनी आईपीएल में अपनी टीम पार्ले रॉयल्स का नया कप्तान घोषित कर दिया है, जहां पर डेविड मिलर पार्ले रॉयल्स की कप्तानी मिनी आईपीएल में करेंगे। इसके बाद इस लिस्ट की दूसरी बड़ी अपडेट है कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम की तरफ से, और कोलकाता नाइट राइडर्स के सुपर स्टार तेज गेंदबाज यानी कि उमेश यादव का आईपीएल परफॉर्मेंस के चलते ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले सीरीज में मोहम्मद शमी के रिप्लेसमेंट के तौर पर शामिल किया गया है, जहां पर उमेश यादव ने आईपीएल 2022 में तगड़ा परफॉर्मेंस किया था। तो इसी वजह से उमेश यादव को टीम इंडिया के T20 स्क्वाड में वापस से इंक्लूड किया गया है। इसके बाद इस लिस्ट की तीसरी बड़ी अपडेट है मुंबई इंडियंस की टीम की तरफ से, और मुंबई इंडियंस के उभरते हुए स्पिनर संजय यादव ने बताया है कि जब वो पहला मैच खेल रहे थे तब रोहित शर्मा ने उनके नजदीक आकर के उनको बताया था कि आप फियरलेस तरीके से अपना गेम खेलो और डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। यानी कि उनका साफ तौर पर कहना था कि रोहित शर्मा एज ए कैप्टन उनको काफी ज्यादा बैक करते हैं और हो सकता है कि संजय यादव को मुंबई की टीम रिटेंशन प्रोसेस में रिटेन कर ले। इसके बाद इस लिस्ट की चौथी बड़ी अपडेट है चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा की तरफ से, और पुजारा ने रॉयल लंदन कप में अपने परफॉर्मेंस का क्रेडिट चेन्नई मैनेजमेंट को दिया है। यहाँ पर चेतेश्वर पुजारा ने बताया है कि जब वो चेन्नई के स्क्वाड में थे तब वो डगआउट में बैठ के ये सोचा करते थे कि वो भी लॉफ्टेड शॉट खेल सकते हैं और तगड़ी स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी कर सकते हैं, और इसी वजह से चेतेश्वर पुजारा रॉयल लंदन कप में तगड़े स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी कर पाए और उनको उम्मीद है कि अगले साल के ऑक्शन में उनको जरूर से जरूर कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। इसके बाद इस लिस्ट की पांचवी बड़ी अपडेट है आईपीएल 2023 के लिए चेन्नई सुपर किंग्स के सबसे बेस्ट प्लेइंग 11 को लेकर। तो चेन्नई का प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार से होगा, जहां पर ओपन करेंगे ऋतुराज गायकवाड और डेवॉन कॉनवे, तीसरे नंबर पर विस्फोटक बल्लेबाज मोइन अली, इसके बाद चौथे नंबर पर अंबती रायडू, पांचवें नंबर पर कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, छठवें नंबर पर सैम करन, सातवें नंबर पर शिवम दुबे, इसके बाद आठवें नंबर पर पैट कमिंस, नौवें नंबर पर दीपक चहर, दसवें नंबर पर वरुण चक्रवर्ती और ग्यारहवें नंबर पर मुकेश चौधरी। तो चेन्नई का प्लेइंग 11 आईपीएल 2023 में कुछ इसी प्रकार से होगा। तो आपके हिसाब से चेन्नई का प्लेइंग 11 किस प्रकार से होना चाहिए कमेंट में जरूर बताएं, और कमेंट में ये भी बताएं कि आप अगली वीडियो में कौन सी टीम का सबसे बेस्ट प्लेइंग 11 देखना चाहते हैं। जिस टीम के ऊपर कमेंट बॉक्स में सबसे अधिक से अधिक कमेंट आएगा उसी टीम का प्लेइंग 11 हम अगली वीडियो में बताएंगे, तो आप कमेंट में जरूर बताएं। इसके बाद इस लिस्ट की छठवीं बड़ी अपडेट है मिनी आईपीएल के ऑक्शन को लेकर, यानी कि साउथ अफ्रीका T20 लीग के ऑक्शन को लेकर, जो कि अब से कुछ देर बाद यानी कि भारतीय समय अनुसार शाम 5:30 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, और अफ्रीका में ये ऑक्शन दोपहर 2 बजे से स्टार्ट किया जाएगा। और इस ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले प्लेयर्स के बारे में बात करें तो टोटल 318 खिलाड़ी इस ऑक्शन का पार्ट बनेंगे, और इस ऑक्शन में काफी सारे स्टार प्लेयर्स पार्टिसिपेट करते हुए नजर आएंगे। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि इस ऑक्शन के लिए सभी टीमों को $2 मिलियन का पर्स बैलेंस दिया गया है, और इसके साथ ही मिनी आईपीएल के ऑक्शन में इंडिया की तरफ से उन्मुक्त चंद पार्टिसिपेट करेंगे, और हो सकता है कि सुरेश रैना और रॉबिन उथप्पा का भी नाम ऑक्शन प्लेयर लिस्ट में शामिल हो। तो कुल मिलाकर के इस ऑक्शन में इन सभी प्लेयर्स के ऊपर बिडिंग चलेगी। इसके बाद इस लिस्ट की सातवीं बड़ी अपडेट आईपीएल 2023 के ट्रेड विंडो को लेकर। तो
आईपीएल के ट्रेड विंडो में काफी सारे प्लेयर्स अपनी पुरानी टीम को छोड़ करके नई टीम में ट्रेड होते हुए नजर आएंगे, तो कुछ प्रोबेबल ट्रेड प्लेयर्स के बारे में बात करें तो इस लिस्ट के पहले बड़े खिलाड़ी है वरुण चक्रवर्ती, जो कि करेंटली कोलकाता नाइट राइडर्स के स्क्वाड में है। और वरुण चक्रवर्ती को मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स दोनों ही टीमों की तरफ से ट्रेड का ऑफर मिला है। जहां पर चेन्नई चाहती है कि चेपॉक के स्टेडियम में चक्रवर्ती का फायदा उठाया जाए, वहीं मुंबई के प्लेइंग 11 में कोई भी बेहतरीन स्पिनर नहीं है, तो इस वजह से मुंबई की टीम चक्रवर्ती को ट्रेड करके अपने स्क्वाड में शामिल करना चाहेगी। इसके बाद दूसरा बड़ा नाम आता है पैट कमिंस का, और पैट कमिंस के ऊपर भी चेन्नई की टीम का नजर है और चेन्नई चाहती है कि पैट कमिंस को ट्रेड करवा लिया जाए। और इस लिस्ट के तीसरे और अंतिम प्लेयर हैं शुभमन गिल, और अगर शुभमन गिल को गुजरात टाइटंस की टीम ट्रेड के लिए अवेलेबल करेगी तो काफी हाईली चांस है कि कोलकाता या फिर बेंगलोर की टीम शुभमन गिल को अपने स्क्वाड में ट्रेड करे, क्योंकि आरसीबी को फाफ डु प्लेसिस के साथ ओपन करने के लिए एक तगड़े पार्टनर की आवश्यकता है। और इसके साथ ही कोलकाता के स्क्वाड में भी बेहतरीन ओपनर की तलाश है, तो इस वजह से ट्रेड विंडो में शुभमन गिल को ये दोनों ही टीमें टारगेट करती हुई नजर आएगी। इसके बाद इस लिस्ट की आठवीं बड़ी अपडेट है मिनी आईपीएल के ऑक्शन के लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स को लेकर। तो जैसा कि पहले ही हम आपको बता चुके हैं कि आज शाम 5:30 बजे से मिनी आईपीएल का ऑक्शन साउथ अफ्रीका में स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन इसके लाइव स्ट्रीमिंग को लेकर के अभी भी काफी सारे क्रिकेट फैंस के मन में कंफ्यूजन है। तो मिनी आईपीएल के ऑक्शन का सीधा लाइव प्रसारण टीवी में स्टार स्पोर्ट्स के चैनल पर किया जाएगा, और मोबाइल फोन में आप इसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर लाइव देख पाएंगे। तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ध्यान से टेलीग्राम पर फॉलो करें, क्योंकि वहां पर हम मिनी आईपीएल के ऑक्शन का सीधा लाइव ब्रॉडकास्ट करेंगे। तो आप जरूर से जरूर हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद इस लिस्ट की नौवीं बड़ी अपडेट है दिल्ली कैपिटल्स के रिटेन प्लेयर्स को लेकर। तो दिल्ली की टीम जिन प्लेयर्स को अपने स्क्वाड में वापस से रिटेन करेगी उसमें नाम आता है कप्तान ऋषभ पंत का, इसके बाद पृथ्वी शॉ, रॉबमैन पॉवेल, मिचेल मार्श, इसके बाद डेविड वार्नर, अक्षर पटेल और खलील अहमद जैसे प्लेयर्स को दिल्ली कैपिटल्स की टीम अपने स्क्वाड में वापस से रिटेन करेगी, यानी कि दिल्ली के रिटेंशन लिस्ट में इन सभी प्लेयर्स का नाम इंक्लूड होगा। इसके बाद इस लिस्ट की आखिरी बड़ी अपडेट है शुभमन गिल की तरफ से, और कल शाम को गुजरात टाइटंस की टीम ने शुभमन गिल को लेकर के बड़ा खुलासा किया है, जहां पर उन्होंने बताया है कि जब उन्होंने ट्वीट किया था कि गिल अब गुजरात से बाहर होंगे तो ये जस्ट एक प्रैंक था जो कि शुभमन गिल के फैंस के साथ किया गया था, और शुभमन गिल को गुजरात की टीम अपने स्क्वाड से रिलीज नहीं करेगी, यानी कि आईपीएल 2023 में भी शुभमन गिल गुजरात टाइटंस की टीम की तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे। तो यही था आईपीएल से रिलेटेड आज के दिन कुल 10 बड़ी अपडेट। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।